जब मीराबाई मिली थी श्री कृष्ण की राधा से, दोस्तों आमतौर पर लोग राधा और मीरा को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी समझते हैं, पर बेहद कम लोग जानते हैं कि मीरा राधा से जलती नहीं थी। वो सिर्फ श्री कृष्ण की नहीं बल्कि श्री राधा की भी बड़ी भक्त थी, और मीरा की इसी महान भक्ति के कारण कलयुग में होने के बावजूद भी मीरा को श्री राधा के साक्षात दर्शन हुए थे, जिसका वर्णन हमें मीराबाई की जीवनी मीरा चरित में मिलता है। मीरा चरित ग्रंथ बताता है कि जब मीरा वृंदावन में थी तो एक रात श्री राधा की सखी चंपकलता उन्हें दिव्य वृंदावन में लेकर गई थी, जहां मीरा श्री राधा से मिली थी। मीरा श्री राधा के अलौकिक रूप को देखकर बेहोश हो गई थी, और होश आने पर वो राधा रानी के चरणों में गिरकर खूब रोई। तब मीरा दिव्य वृंदावन से श्री राधा के चरणों की धूल भी अपने साथ लाई थी, जिसे वो सदा अपनी ओढ़नी में बांध कर रखती थी। वो श्री राधा रानी ही थी जिन्होंने कृपा करके कलयुग में अपनी मीरा की रक्षा और उनकी सेवा करने के लिए खुद अपनी सबसे खास सखियों को मीरा के साथ रहने के लिए कलयुग में पृथ्वी पर मीरा की दासी बनाकर भेजा था। इस प्रकार का रिश्ता था श्री राधा रानी और मीराबाई का।